होगी घर घर में धमाके 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 इनके साथ आए हैं राहुल भाई, ये दोनों ओपनर हैं। रन इस समय दो हुए हैं बगवाड़ा की टीम के, पहले बैटिंग इन्होंने अपने मन से ही ली है, कप्तान भी है अभी ओपनरों में दो में से चिंतन। दूसरे राहुल भाई बढ़िया शॉट इस बार हवा में खेल तो दिया है, लेकिन मिहिर की ताबत वहां है जो भिलाड़ की टीम के होनहार ऑलराउंडर है यंग, और दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चार। चार रन, तीसरा मैच है आज, नौ मैच खेलने है, ये आयोजकों का मतलब फरमान है, वहां से शेड्यूल भी मिल गए हैं, टेबल आ गया। चार रन है, पहली बाउंड्री आई है पावर प्ले के दरमियान की, पहला स्कोरिंग शॉट। इस स्कोरिंग शॉट के लिए इनाम भी है थ्रू आउट टूर्नामेंट के लिए, सिद्धार्थ कलेक्शन की तरफ से, विनोद भाई और जवाहर भाई की तरफ से प्रत्येक बाउंड्री के लिए 50, और उससे जो बड़ा शॉट है इस क्रिकेट इवेंट का मैक्सिमम मार्जिन का, उनके लिए इनाम भी बड़ा है, डबल है, 100 है सिक्स के लिए। हैरी नाइशा रिलायंस पेट्रोल पंप दाभल की तरफ से, देखे बढ़िया गेंद थी ब्लॉक हॉल में। बोलिंग लाइनअप देखिए भिलाड़ की अच्छी है, इनकी जो देखिए क्रैकिंग शॉट, फुल टॉस, तो ये मतलब दूसरी मैच के बाद चौथी मैच है जहां पावर प्ले ठीक बैठा है, 13 रन पहली ओवर में। और ये नॉन स्ट्राइकर जो कप्तान है ना, लास्ट इवेंट के बलवाड़ा वाले खेल में, जैन समाज के खेल में इसी सीरीज प्लेयर है भाई, बहुत डेंजरस खिलाड़ी है नॉन स्ट्राइकर। अब दूसरे धवल भाई है जो एक्सपीरियंस के साथ ओपन करने के लिए आए हैं, कप्तान उनको ले आए हैं। पावर प्ले में दोनों ने मिलाते हुए 13 मारे हैं। भिलाड़ बॉलिंग में मिहिर की तावत, 20 साल की तावत खड़े हैं लॉन्ग ऑन पर। देखिए बॉलिंग तो भिलाड़ की भी अच्छी है, मानो इनके बाद महावीर है बॉलिंग लाइनअप में। नीचे बह ही जाओ पसंद भाई, તમે વડીલમાં તમારે હેન્ડલ કરવા પડે, ટીમને બધી જીતવાવી પડે, તમારે બી કઈ કાર્યરચના ચાલુ હશે, રણનીતિ બનાવી રહ્યા છે પ્રશાંતભાઈ બી। એ ભાઈ એ ખતરનાક હાર્દિક પાંડ્યા હૈ, યસ કિતાબત, તો ઇસ એક કે સાથ સ્કોર આગે બઢતા હુઆ। अच्छा उदाहरण, इस बार हवा में आ रही विकेट, नो बॉल, तो खिलाड़ी का भाग्य अच्छा है, वह नो बॉल थी। अपनी ये मैच का सीधा प्रसारण, आपका क्या है तेरा नाम बोलना, तेरा नाम, अरे बाबा अपना वो नहीं है तुम्हारे टेनिस क्रिकेट लीग वाला, वो दूसरी जगह दे इसलिए हमें, ओके 17 रन। क्या बोला तूने, फॉर्च्यून, ओए फॉर्च्यून,
इवेंट्स ना बस ना डॉट बोट नहीं है ना उसमें डॉट बोट। अरे भाई आप वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से तो स्कोर में इजाफा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। फॉर्च्यून इवेंट भाई ये लिंक है भाई हमारे टेक्नीशियन है इनके जो ऑनलाइन पे भी वो ही स्कोरिंग करते हैं कृष्णा है और दूसरे सहयोगी है कैमरामैन फिर से वाइट का इशारा देखिए उधर दूसरा मतलब कंटेन है सिंगलों से ही काम चला रहे हैं इस समय और भाग्य ने भी साथ देखे अच्छी ब्लॉक हॉल की बॉल थी देखिए वहां बॉलिंग क्वालिटी की है वहां बैटिंग भी चली है ऐसी बात नहीं 20 रन है इनके पावर प्ले में इनके 13 थे उसके बाद के ओवर में अभी तक 7 आए हैं स्कोर हुआ है 20। अरे भाई आप पानी पीने बाटली लीजिए नानी से पानी नहीं है बती डस्टबिन में नाक जो भाई प्लीज जे एक पर कोई पर नाना छोकरा आयो ना थोड़ू भाई तमे समझाई लेजो आजू बाजू पानी नी जे बोटल छे पीधा पछी थी डस्टबिन में ज नाखजो બે ઓવરમાં રન થયા ત્યારે ભાઈ બગવાડાના 20 નો લોસ આવનારા દરેક આમંત્રિત મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે ભાઈ એની તરફથી तो भिलाड़ की तरफ से इनका एक और होनहार ऑलराउंडर बॉलिंग में अभी समय तो बॉलिंग है भिलाड़ की लेकिन भिलाड़ की जो बॉलिंग लाइन से आ रही ना सभी ऑलराउंडर से इनके अच्छी लाइनअप है बैटिंग में ये भी अच्छा लड़का है महावीर अंपायर का इशारा या आशुतोष की तरफ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। तो आज 9 मैचे खेलनी है ये कमेटी की तरफ से हमें टेबल मिल ही चुका है कमेटी के भी सदस्यों में जो सबसे हमारे बीच में बैठे हैं बाजू में दबाव है दिन भर में लगता है भाई इनकी भी जवाबदारी है बड़ा इवेंट है ऑफ स्टंप से तो बाइट का इशारा अंपायर की तरफ से दोबारा एक बार छोटा फॉर्मेट है अंपायर आपको नहीं बख्शेंगे इनके रडार में जब आप जरा सा भी यहां वहां जाओगे तो ये दबाएंगे आपको आशुतोष जो अंपायरों में 4 में से सबसे मैच्योर है 22 रन हुए हैं अब देखिए उम्र में थोड़ा अलग सा है इनका हाइट का अच्छा लड़का है मतलब संयम के साथ का अंपायरों में जो चाहिए वो आज क्रिकेटर है सभी ये चारों अच्छे क्रिकेटर बढ़िया ब्लॉक हॉल की गेंद देखिए जड़ में फेंकी गई विकेट कीपर भी पीछे ही खड़े हैं हितेश भाई हैं विकेट के पीछे तो रनों में इस समय बगवाड़ा की टीम को थोड़ा बांधा है इस ओवर ने क्वालिटी बॉलिंग है टेनिस क्रिकेट की उत्कृष्ट बॉलिंग देखे बढ़िया शॉट रिवर्स स्वीप का जोखम है वहां पे स्क्वायर कवर पॉइंट मतलब ये यश की तावत है हार्दिक पांड्या है वहां पर इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। भिलाड़ की तरफ से तीसरा ओवर है और लाइन से ही बॉलिंग चली रही है
पहले पिनल आए, दूसरे ओवर को लेके मेहर कितावत आए, तीसरा ओवर इस समय महावीर फेंक रहा है। ये तीनों रिकॉग्नाइज अच्छे ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर की ताकत की टीम है। इस बीच में हवा में फुल टॉस, हाई फुल टॉस और विकेट बॉल, विकेट नंबर फर्स्ट। बचने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक फटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं वन डाउन नंबर तीन हैमिन। ये टेनिस क्रिकेट इवेंट आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फॉर्चून इवेंट, और इनके टेक्नीशियन में कृष्णा जो ऑनलाइन पे है स्कोरिंग मेक के साथ, और दूसरे है जो कैमरामैन है वो है महेंद्र। ये दोनों यंगस्टर फॉर्च्यून इवेंट ये देखे बाउंड्री आई है जो जरूरी थी इस ओवर में। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। हेमिन ने अपना खाता खोला, सॉरी 29। अब बॉल कितना बाकी, एक बाकी एक। तीसरे ओवर की एक गेंद अभी आनी शेष है, स्कोर हो चुका है 29। इस बाउंड्री के आने से बैटिंग का ये ओवर बैठ रहा है, वैसे 10 की दौड़ है और 50 के ऊपर 4-5 रन ऊपर चढ़ जाने से बैटिंग सेकंड बैटिंग के लिए परेशानी ही ये लास्ट मैच का परिणाम था। तो तीन ओवर के बाद स्कोर है 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। सिक्सर के लिए थ्रू आउट मतलब पहली गेंद से लेकर कल की शाम की लास्ट मैच की लास्ट बॉल तक जितने भी छक्के लग जाते हैं खेल में, जो खेल का सबसे बड़ा शॉट है, तो उस प्रत्येक सिक्सर के लिए 100 रुपीज कैश प्राइज है। रिलायंस पेट्रोल पंप दाभल, उनके मालिक है एरिन भाई शाह, उनकी तरफ से। चौथे ओवर की तैयारी है भिलाड़ की तरफ से, बॉलिंग भी अब बदलेगी छोड़ को, अंपायर भी बदल गए हैं, अब बॉल सामने से आना शुरू हो जाएगी अगली 18 गेंदें। तो चौथे ओवर की तैयारी है और स्कोर है 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर अपने कोटे का दूसरा फाइनल ओवर। तो देखिए 6 ओवर है तो 2 बॉलर आपके ऐसे होते हैं जो 2-2 ओवर डालेंगे, उनमें से ये पहला बॉलर है भिलाड़ की तरफ से जो अपनी 12 गेंदें पूरी कर रहा है, 6 बाकी है, 6 कर चुका है और बैटिंग में भी टीम इनसे काफी अपेक्षा रखती है। रिकॉग्नाइज ऑलराउंडर है, क्वालिटी प्लेयर है, जैसा ये चिंतन है वैसा वहां सामने इसकी टीम का ये है। बाउंड्री के लिए यानी स्कोरिंग शॉट सिक्सर के बाद का 4 होता है इनके लिए सिद्धार्थ कलेक्शन की तरफ से, विनोद भाई और जवाहर भाई की तरफ से 50 है बाउंड्री के लिए ईच एंड एवरी फर्स्ट बॉल टू लास्ट बॉल। Thank you.
तीस थर्टी लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से, रनों में बढ़त। इस ओवर में आने वाला ये पहला रन। बॉलर अपने दूसरे फाइनल ओवर को फेंकने की तैयारी कर चुका है। तो देखिए छह ओवर है तो दो ऐसे बॉलर है जो आपकी बारह बारह गेंदें डालेंगे। देखे बॉलिंग देखे वहां, और शॉट भी देखे क्या आत्मविश्वास के साथ खेला है हैमिन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। चौथे ओवर की दो गेंदें अब तक आ चुकी है। बॉलिंग भिलाड की टीम की है, जैन समाज की तरफ से, अच्छे लड़के हैं। और ये टेरिबल टेरिबल हिट, परफेक्ट सिलेक्शन, परफेक्शन परिणाम सब कुछ। कैप्टन बचने दे धड़क धड़क झोलता से धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्लारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक भटक साली। सिक्सर के लिए 100 रुपए का इनाम भी है थ्रू आउट पूरी टूर्नामेंट के लिए। 37 और बढ़िया स्ट्रोक कमिटेड फ्रंट फुट पे आए और एक्स्ट्रा कवर वहां पर गेंद को रोका। बढ़िया, इतना मैदान है, हरा भरा मैदान, गेंद रोल होते जा रही थी एक्स्ट्रा कवर के पास। 38 अच्छा ओवर जा रहा और ब्लॉक होल में यॉर्क, यॉर्क कर दिया। पुराना बॉल है ये, बॉलर अपना फाइनल ओवर लेकर आया है, कैप्टन ने इनको विकेट के लिए लगाया है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सनी। तो देखिए वाह बढ़िया गेंद, देखिए इनका ये आखिरी ओवर है। तो चार ओवर के बाद स्कोर है 38 रन, इनके दो ओवर पूरे हो गए। अच्छा ना कैप्टन, स्थानक वासी जेडी सिन्हा कैप्टन ने बुलाई लो भाई महावीर 11 अच्छारी अने स्थानक वासी वापी जीआईडीसी बन्ने टीम ना कैप्टनों ने नम्र निवेदन आवी जो भाई टॉस मार। तो भाई अच्छा रहना कैप्टन निर्मित भाई नाम थी आ गया से भाई अपना सानकवासी जीआईडीसी वापी सेंटर जॉय साहब। आदमी चौथी मैच में टेस्ट थी रहे भाई, एक साइड में एकदम मैच्योर कैप्टन छे बीजी बाजू यंग साइड महावीर अच्छारी अने अपना वडीलो तरफ थी भाई टॉस उछाड़ो। आ बैटिंग लीधी भाई अच्छारी महावीर, चिंतन विकेट पड़ी भाई पहली बाजू मैदान पर। तो अच्छारी ना यंग कैप्टन निर्मित साथ बैटिंग करवाना भाई पहले, और आबाजू भाई बगवाड़ा टीम ना कैप्टन आउट थे गया भाई अतार। क्लीन बॉल थिया अने नवा बेसमैन जाय छे भाई मिडल ऑर्डर मध्यक्रम छे बगवाड़ा नु। बॉलर महावीर भाई सेकंड ओवर नाखे छे महावीर पण एमना तरफ थी बिलाल तरफ बे बॉलरो नाखी सके बे गो। आनंद कितावत, हितेश भाई विकेट कीपिंग पछाड़ी, विशाल कितावत, हार्दिक पांड्या बदा एक हरखा प्लेयर। अब भाई नवो बैट्समैन कौन से भाई आ नवो बैट्समैन जैविक भाई नाम भी खतरनाक जैविक जैविक आया महावीर
આજની ચોથી મેચનો ટોસ થઈ ગયો છે ભાઈ. મહાવીર ઇલેવન અચ્છારીના કેપ્ટન નિર્મિતભાઈએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ લીધી છે અને અહીંયા આગળ રન થયા છે. એક રન જોડે 39 રન હોય. તીસરા મેચ હૈ સમય મેદાન મેં જો હૈ બગવાડા ક્રિકેટ લીગ 2019 શ્રી બગવાડા પરાગણા જૈન સંઘ કે દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝ ઇસ ક્રિકેટ ઇવેન્ટ કા આજ કા પહેલા દિન હૈ. દો દિનો કા ઇવેન્ટ હૈ. સ્કોર ઇસ રન કે સાથ 40. રન બિલાડ કી તરફ સે યે ઓવર નંબર 5 હૈ. બોલર કા અપને કોટે કા ઇનકા ફાઇનલ ઓવર હૈ. ઇનકો કપ્તાને એક દૂસરા યે બોલર હૈ જીસકો 12 ગેને ડાલને કે લિયે ઇનકે ઉપર જિમ્મેદારી દી હૈ ઓર ઉસમે ખરા ઉતરા હૈ બોલર. અબ ચિંતન કા વિકેટ જાને કે બાદ બેટિંગ કા ભી મતલબ હૈ તો ઇનકા મિડલ ઓર્ડર હી હૈ યે ઓર અચ્છે અનુભવ વાલે ખિલાડી હૈ દોનો ઇસ સમય જો મેદાન પર ખડે હૈ. સની ભી બહોત જબરજસ્ત પ્લેયર હૈ યાર યે ઓર રિલાયબલ હૈ. ભરોસે કા ખિલાડી મિડલ ઓર્ડર કા. और देखे सार देखे ग्लोरियस. अरे हार्दिक पांड्या को चीरती विकेट निकली गोली की रफ्तार से 4 कवर बाउंड्री में इनामे वाले शॉट. सिद्धार्थ कलेक्शन की तरफ से इस बाउंड्री के लिए इनाम है थ्रू आउट. विनोद भाई और जवाहर भाई की तरफ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बाउंड्री के साथ 45 पांच ओवर के बाद 45. अभी 6 गेंदें बची हैं. पावर प्ले में इनके 13 आए थे. आधे रास्ते में टीम 29 का मतलब 10 के आसपास चल रही थी. इस समय इनके 45 है. 5 में इनके 9 है अभी रफ्तार. मानो 9-10 आते हैं तो इनका स्कोर हो जाएगा 55+. अगली मैच थी वो भी उसी जगह पे थी. सेकंड बैटिंग बना नहीं पाई थी रन को मार्जिन में. मैच चल रहा था उसके बाद नहीं बना पाई. उनका कारण था जिन्हें धामी की 12 गेंदों और उसके बाद 5वें नंबर की ओवर भी बहुत अच्छी पड़ी थी. धामी का जो 5वां ओवर डलवाया था बॉलर का 4 डॉट मारे थे उन्होंने भाई. मैच जल्दी आयोजकों को तनाव है लगातार है दबाव है. 9 मैचे हैं आज टोटल खेलने वाले हैं और पूरा टेबल आ चुका है. कमिटी बैठी है मेरे पास में ही. दबाव इनका रहता है. राजा भाई भी मोमेंट में है भाई. तैयार है दूसरे मैच के लिए रणनीति बनाएंगे. તો જો 9 મેચ આજે રમવાની છે આપણે. 9 અત્યારે ત્રીજી ચાલે છે. ચોથીનો ટેસ્ટ થઈ ગયો છે. કમિટી સક્ષમ આખું મેદાન દર્શકો સાથે ભરેલું. મહિલાઓની સંખ્યા ભાઈ બી એકદમ સવારે 8 વાગ્યાથી જ ભરેલી. અટેન્ડન્સ વધ્યા જ કરે મહિલાઓની પણ. સમાજ તરફથી ઇવેન્ટ છે ભાઈ 2 દિવસનું. ગઈકાલે તો કાંગડ હતું અજીતનગરમાં બી ભાઈ મોટું ક્રાઉડ મોટો સમાજ. આ ડોટ હિતેશભાઈ વિકેટ કીપિંગ પર ફાઇન થર્ડમેન પર આનંદ કિતાવત. આ બોલ દેખી યાર બેકઅપ લેન્થ કા. 9 બોલ કા ઇશારા અમ્પાયરો કી તરફ સે. 9 બોલ દોનો અમ્પાયરો કે હાથ એક સાથ ઉઠે. દેખે એ ભી યંગ અમ્પાયર હૈ લેકિન દોનો અમ્પાયરો ને એક સાથ હી ઉઠા જાતા હાથ. હા ઇસીલિયે બોલર કે ઉપર હી યે હમલા થા. અબ દેખતે ક્યા હોતા હૈ. અમ્પાયરો કા અપના સુપ્રીમ પાવર હોતા હૈ. ટેકનિકલી પોઇન્ટ પે અબ ડિસાઇડ હોગા. બોલર કો ઇન્હોને એક્શન કે લિયે હી દિયા હૈ 9 બોલ. દોનો અમ્પાયરો કો એક સાથ કોલ થા और उसके बाद दोनों अंपायर आपस में आए और अब इनका अपना पावर है और उसी समय बैंड कर दिया बॉल को. यानी कम से कम इस इवेंट के लिए बॉलर बॉलिंग नहीं कर पाए.
हाँ फ्री हिट बॉल, बॉलर जो है वहां से ही हट गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉलर को अंपायरों ने एक्शन के लिए ही बैंड किया है टेक्निकली पॉइंट। और इवेंट के नियमों के अनुसार संविधान नियम बोलता है कि इस इवेंट के लिए बॉलर बैंड हो चुका है, उसके बाद कल दो दिनों का इवेंट है, अंपायरों की अपनी है, कल ये बॉलर आए भिलाड़ की टीम आगे जाए, सब जो जो मैच खेलने वाले हैं। तो बॉलिंग में अभी अधूरा ओवर ही पूरा कर रहे हैं। हितेश भाई बॉलिंग अब इनकी जिम्मेदारी बन गई है। अच्छा तो था तो दूसरा ही ओवर था। विकेट, अब विकेट भी जा रहे हैं, रन भी कुछ आने एकदम से, मतलब ऐसा नहीं कहता कि बंद हो गए हैं, लेकिन के विकेट के बाद से रनों में वो मोमेंट में तो देखिए बॉलिंग को तो यही ओवर संभालनी है, उसके बाद देखेंगे कि भिलाड़ की तरफ से लास्ट ओवर को कौन फेंकने वाले हैं। लगभग लास्ट ही ओवर है ये, तो स्कोर 50 के ऊपर नीचे की बात है। ऐसा नहीं कि चिंतन के बाद रन बनने ही अटक गए हैं, लेकिन चिंतन के विकेट के बाद ये देखे विशाल की तावत थे खड़े लॉन्ग ऑफ पर, लग रहा था शायद पहना लेंगे कैच को, और ये बॉल भी बहुत लंबा इसे आया, अंपायर ने भी अपनी पोजीशन बना दी थी भाई, संकेत हो जाते अंपायर को भी मालूम पड़ जाता है कि, तो रन आए 3 बने रन 49 और तीसरा मैच अब आधे रास्ते में खड़ा है 50 रनों के साथ, अब दूसरी इनिंग खुलेगी तो कुछ समय के ही बाद, क्योंकि आयोजकों का भी तनाव है भाई, 9 मैचे हैं तो समय तो मिलेगा ही नहीं आपको बीच में कुछ भी। अब एक टीम खेल गई है, दूसरी जा रही है, सबके लिए दो दो मैचे हैं अपने अपने जूथ में, मतलब अपने अपने ग्रुप में। सक्षम कमिटी है बगवाड़ा 9 क्रिकेट लीग 2019 श्री बगवाड़ा परागना जैन संघ, जिस खेल का ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य पार्ट उनका है, और इनके मुख्य स्पॉन्सर जो है श्री अजीत नगर पल्स एंड पेपर लिमिटेड, उनकी तरफ से ये प्रायोजित खेल है। वडिलों की उपस्थिति है, महिलाओं की अच्छी खासी संख्या लगातार 8 बजे से ही देखे जा रहे हैं, उसके अटेंडेंस बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले सभी आमंत्रित मेहमानों का यूनिट की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तीसरे मैच का सेकंड हाफ 50 पे अब भिलाड़ को चलाना है, खोलना है, और भिलाड़ के पास मैंने पहले ही कहा ना कि इनका जो टॉप ऑर्डर है ना, इनके बाद इनके पास मिडिल ऑर्डर में अच्छे ऑलराउंडर्स है, इनकी ताकत है बैटिंग में। मैच 8.50 है, तीसरा मैच 8.50 रिक्वायर आस्किंग मैच है। भाई फिलहाल टीम ना कैप्टन ने नम्र निवेदन फेनिल भाई ने, पहले तुम्हारा ओपनर मोकलाई दीजिए फेनिल भाई।
50 रन बिलार के लिए रिक्वायर आस्किंग लक्ष्य आया है मैच 8.50। भाई आगड़वाड़ा जरा साइड थी जा जीने भाई पग्नेश भाई बाबा भाई आबाजू थी चार हजार आबाजू थी जरा आगे पिंटू भाई जा खुल्लू आप जो आगे जरूर आ पिंटू भाई कमिटी वाला भाई बोलो आखो दाड़ो नौ मैच है आज आप नौ मैच रमवानी है अत्यार जी चालू थवानी अर्धावत पहली मैच थी 8.73 બીજી હતી 8.75 અને અત્યારે આ મેચ છે 8.5 રન પ્રતિ ઓવર સીધો હિસાબ દરેક ઓવરે 8.5 રન જોઈએ આ લોકોને બેટિંગ વાળાને ભિલાડને પાવર પ્લે છે ભાઈ પહેલી ઓવર પાવર પ્લેમાં રાજસ્થાન જૈન એકતા મંચની ટીમ 23 રનથી હાઈએસ્ટ પાવર પ્લે હતો પહેલી મેચ જીતનારી ટીમ 5 બોલ બચાવીને 6 વિકેટથી અને ત્યાર પછી 13 આવ્યા હતા ફિલ્ડિંગ વાળા ચિંતનભાઈના અત્યારે આ મેચમાં પાવર પ્લેમાં 11 હતા આગલી મેચમાં ટીમ જીતી નહીં શકી ભાઈ 50 થી ઉપરનો કોઈ પણ સ્કોર અત્યાર સુધીમાં મેચે પણ આ ત્રીજી છે લગભગ 6 ઇનિંગ છે ડોટ ગેન બોલર છે જીનિત યંગ બોલર ઓપનરમાં મહાવીર અને વિશાલ કિતાવત મેહુલ અને દેખ મહાવીર મેહુલમાં મને બહુ લોચો પડી છે બે નો જન્મ મેહુલ છે મેહુલ વિશાલ કિતાવત અને મેહુલ ભાઈ આ મેહુલ બેટિંગ લાઇનઅપ આનંદ પાસવાનનો બેટ્સમેન આ મહાવીર ઓલરાઉન્ડર મિહિર કિતાવત ઓલરાઉન્ડર પિનલ ઓલરાઉન્ડર મિડલ ઓર્ડર એકદમ પેક લાઇનઅપ એક રન સાથે રન એક જ પહેલો રન ભાઈ 50 બિલાડ જેન 11 બનાવવાના છે ભાઈ 50 રન 6 ઓવરમાં 8.50 મેચ છે 8.5 રન પ્રતિ ઓવર મિનિમમ જરૂરત जेन देखिए ये भी टेक्निकली बहुत ही साउंड प्लेयर है विशाल की तावत स्कोर हुआ दोनों ओपनरों ने अपना खाता खोला है अगली गेंद आज देखिए इस बार इसलिए इन्होंने थोड़ा देखे रनिंग बिटवीन देखिए वहां विशाल कितावत का दबाव था दूसरे रन के और जरूर वहां दूसरा था क्योंकि लॉन्ग ऑफ सीधे खड़े थे और वाइड इज लॉन्ग ऑन और मिड विकेट वाला जो प्लेयर था वो भी ये दोनों के बीच में बड़ा गैप था इसीलिए बल्लेबाज ने भी शॉट को थोड़ा खींचा था दोनों के बीच में ही मारना चाहते थे दो रन आए पावर प्ले है अभी ये दो ही बाहर है लॉन्ग ऑन दोनों लॉन्ग ऑन है इस समय और दोनों सर्कल से बाहर है 4 रन देखिए अच्छी गेंद गले में लग गई है विकेट के पीछे खुद कप्तान है रन है 4 बनाने हैं 50 6 ओवर में पहली ओवर पावर प्ले की है मानो लॉन्ग ऑन जो दोनों है उनको छोड़कर बाकी सब सर्कल में है लेकिन बॉलिंग भी कंटेन है इस समय दो सिंगल और एक डबल आया है देखिए अच्छी गेंद फिर से नियंत्रित दिशा तो एक ओवर के बाद इस पावर प्ले के साथ 4 के साथ क्लोज किया बॉलिंग ने पहला पावर प्ले अब इनको बची हुई
पांच ओवर यानी 30 गेंदों में 46 रन चाहिए, यानी रिकवर उससे थोड़ा सा ऊपर हो चुका है अभी 9.20, 8.5 की मैच 9.20 हो गई है एक ओवर के बाद, पावर प्ले के बाद। अगली 30 गेंदों में बिलाड़ की टीम को बनाने हैं और 46 रन 46 9.20 अब यहां से मैच, क्योंकि एक आध ओवर और दबाया कहीं बॉलिंग ने तो बैटिंग को भी दबाव आएगा, लेकिन बैटिंग का ऑन ग्राफ पेपर पे प्लस पॉइंट है, इनका मिडिल ऑर्डर बहुत ताकत वाला है, ऑलराउंडर है, देखिए सब तैयार हो रहे हैं अगर जाना पड़े तो, फाइटर विमान है इनके सब। तो क्या है कि 9.20 हुआ है मैच, बेस के पहले ओवर पावर प्ले के बाद ही मैच 8.5 का उठ के 9.20 हुआ है, सीधा गणित है, कोई बड़ी बात नहीं, सब जानते हैं। और दूसरे ओवर के साथ बॉलिंग अब आगे चली है और बॉलिंग में इनका ऑलराउंडर है जिनको इन्होंने दिया है विश्वास के साथ बॉल इनके हाथ में, नया ही बॉल है लगभग अभी। देखे वहां पर अंपायर की अच्छी पोजीशन है, देखिए अंपायरों का भी अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग लाई है, बढ़िया अंपायर है, पोजीशन बना गए थे, मालूम हो गया था इनको, अंपायर भी भाई क्वालिटी के हैं ये सब लड़के दोनों, है तो सब क्रिकेटर ही हम है, क्वालिटी अंपायर है। अरे परस भाई जरा, जमीन भाई आबाजी साइड देखाते थे ये पछी रणनीति बनावी आकर बीजी मैच नहीं आ, जमीन भाई ने परस भाई आ डॉट बॉल, देखिए मैच 9.20 इस ओवर के ओपन होने से पहले है, अब बैटिंग को क्या डबल दौड़ने पड़ते हैं दो एक बार या फिर एक बाउंड्री नेसेसरी है, और अगर डॉट खाने लग जाते हैं ना तो फिर क्या है मिडिल ऑर्डर को ऑल ऑफ सडनली, ये खेल ही अलग है, फॉर्मेट छोटा होता है, अब इनके भी तैयार है मिडिल ऑर्डर, देखो बल्ला पकड़ के ही जिसको जहां जाना छूटेगा यहां से अगर आई जरूरत तो। 6 रन दूसरा ओवर थोड़ा कंटेन जा रहा है बॉलिंग में, देखिए अच्छी बात इसलिए है कि ऑलराउंडर है टॉप ऑर्डर का, जिनको बॉलिंग के लिए चांस दिया इसका मतलब यह है कि रिकॉग्नाइज है, इन पे भरोसा है कप्तान को, तभी तो इनको लिया दूसरे ओवर के साथ, जहां बॉल भी नया है और शुरू में ही दबा के रखना है बैटिंग को, रन बने हैं 7, कंपिटेटिवली स्कोर है, मैं ऐसे नहीं कहता कि ये स्कोर बनाने के लिए बिलाड़ को परेशानी है, लेकिन फिर भी टफ स्कोर है, जो इवेंट के अगले दो मैचों का जो मापा झुका है ना, देखिए विकेट लिया है जिस विश्वास के साथ इस ऑलराउंडर को लगाया था बॉलिंग में, वहां वो खड़े उतरे और विशाल किताबत के रूप में बिलाड़ की टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका। तो देखिए दो ओवर के बाद स्कोर है 2 विकेटों के नुकसान पे 7 रन, अब ये मध्य क्रम का सबसे बड़ा है ना ये विमान, ये बहुत डेंजरस प्लेयर, रेड कैप, देखिए कलर भी रेड है, मिडिल ऑर्डर का बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है मेहर की तावत, और बॉलिंग अब तीसरे ओवर की पहली गेंद, देखिए अच्छी गेंद थी, बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया
देखिए ये तो बॉलर है रेगुलर, ये ऑलराउंडर है लेकिन बॉलिंग में ये बड़ा है और बैटिंग इनका सेकंड पार्ट है, और अगला वाला जो बॉलर था ना वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है और फिर बॉलर है, बात वो उतनी है। और ये लिया हवाई फायर, बिलाड़ की तरफ से पहला हवाई हमला, ये स्कोर सीधा उछलता कूदता चला गया 7-13 पर। इनामों का शॉट है ये, प्रत्येक सिक्सर फर्स्ट बॉल टू फाइनल बॉल, दो दिनों का इवेंट है, उनके दरमियान की जितने भी सिक्सेस लगते हैं मैक्सिमम रेंज का शॉट है 100 रुपीज पर इच सिक्सेस के लिए इनाम है। हेरिन भाई आई शाह रिलायंस पेट्रोल पंप दाभल की तरफ से, स्कोर में वृद्धि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। देखिए ओवर में 6 या 4 आने से क्या है कि ओवर इस समय 10 के नीचे ही मैच है, 8.5 का था 10 के नीचे लास्ट ओवर से पहले था, तो बात उधर ही चल रहा है। मिडिल ऑर्डर बहुत ताकत वाला बिलाड़ का, ये लड़के पिछले 3 इवेंट में मैं इनके साथ था, 2 इवेंट बिलाड़ ने जीते, रात वाला खेल इन्होंने जीता है इसी टीम ने, यही लड़के सब, और उसके बाद वलवाड़ा में 2 इवेंट था जहां चिंतन भाई वाली टीम जीती थी, एक वहां चिंतन भाई सीरीज बने थे और बैटिंग अगले मैच को ले गई थी बिलाड़, तो पावरफुल टीम है दोनों। बढ़िया गेंद वाइड, देखिए अंपायरों का दबाव रहेगा, शॉर्ट फॉर्मेट है भाई, अच्छे ये भी है, ये भी यंग है सभी। हाँ भाई जतिन भाई तरफ थी, जतिन भाई भाई जतिन भाई रसिकलाल सरीगाम एमना तरफ थी बैटिंग, स्पेशली फॉर बैटिंग बिलाड़ी बैटिंग छे अतार, तो दरेक सिक्सर माटे एमना तरफ थी इंडिविजुअल 500 एमने प्रोत्साहित करवा माटे। हवाई फायर, एक और उड़ा उड़ा उड़ा, देखिए मैंने कहा ना कि मिडिल 23 रन, तो 3 ओवर के बाद देखिए अभी समानांतर बातें सब अब डाउन हो रहा है, यहां बैटिंग ने भी अपने हवाई हमले चालू कर दिए हैं, 2 बड़े मैक्सिमम थे इनामों वाले शॉट थे, एक तो इंडिविजुअल फॉर इवेंट जो थ्रू आउट है पहली बॉल से लेकर लास्ट बॉल का शो है, उसके बाद बैटिंग के लिए स्पेशली जो इनाम आया है वो जतिन भाई रसिक भाई सरीगाम की तरफ से 500 है सिक्सेस के लिए। देखिए खेल में मतलब ग्राफ में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है, अगली अभी 18 गेंद 27 है, मैच 9 पे खड़ा है, उससे 10 के नीचे ही था, जो ऊपर नीचे मूवमेंट है अभी मारने चालू हो गए बैटिंग। मैंने पहले कहा बिलाड़ की मिडिल ऑर्डर बहुत ताकत का है, अटैकिंग लाइनअप है, अब बॉलिंग कप्तान खुद आ रहे हैं, इनका भी अपना लेवल है, ये लास्ट इवेंट में ये चिंतन भाई सीरीज बने थे मैन ऑफ द सीरीज, एफसीसी की तरफ से तब ये ऑलराउंडर है, उनका भी एफसीसी चैंपियन हुई थी, उसके अगले इवेंट में ये बैटिंग वाली टीम जीती थी मैच को, इवेंट को रात के खेल में भी बैटिंग जीती थी वापी के मैदान पर। इस बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन।
ये दोनों आक्रामक ऑलराउंडर है मिडिल ऑर्डर का, या ये आउट होते या रन बनाते हैं, आक्रामकता ही इनकी प्रकृति रहती है खिलाड़ी की। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। बाउंड्री के लिए भी ईच एंड एवरी फर्स्ट बॉल टू कल दो दिनों का इवेंट है ये, सिद्धार्थ कलेक्शन की तरफ से, विनोद भाई और जवाहर भाई की तरफ से। बाउंड्री के लिए 50 है थ्रू आउट टोटल टूर्नामेंट में। सिक्स के लिए है हेरिन भाई आयशा, रिलायंस पेट्रोल पंप दाभल उनके मालिक। और ये विकेट देखिए, ये क्या होते कि नेचुरल प्लेयर होते, अटैक के खिलाड़ी है, शांत नहीं रहते, आउट होते या रन बनाते। यहाँ बॉलिंग भी कमबैक में कप्तान चल रहे हैं, बॉलिंग पर लड़ाई बराबर है, मजा आ रहा है, तो सबको तो क्या है, सब करते ही लड़के हैं सभी, पूरा वलसाड़ है। एक मिनट रन महावीर तो अभी आए हैं पिनल के बाद, मिडिल ऑर्डर का एक और सदस्य ऑलराउंडर। मिडिल ऑर्डर इनका ताकत का है, लड़ाई भी है, बराबर पे चलने लगी है, विकेट जाते हैं तो रन भी आ रहे हैं। ये जो आके गया था ना ये फाइटर विमान, इनका 15 रन मार के आ गया समय के साथ। ये इनकी एबिलिटी है, शॉर्ट फॉर्मेट का सबसे डेंजरस ऑलराउंडर भिलाड़ की तरफ से मिडिल ऑर्डर। अरे विकेट मार रहे हैं, देखिए बॉलिंग भी कमबैक में जा रही है, इन्होंने भी हमले चालू कर दिया है। विकेट जो दूसरा विकेट, मतलब एक साथ बॉलर ऑन हैट्रिक बॉल, ये फुल टॉस और ये हवा में है, लेकिन वहां कोई फील्डर है नहीं आसपास में। मिड विकेट पर से खिलाड़ी गया, लेकिन बॉल इनसे बहुत तेज और निकल गई 4 रन के लिए। तो देखिए समय, रन जो आ रहे हैं बैटिंग के इकट्ठे आ रहे हैं, इसलिए प्रेशर आ नहीं रहा है, इनके विकेट भी आ रहे हैं जरूर, लेकिन रन भी बहुत जोर, मतलब जोर में आ रहे हैं रन। इस कैसे के साथ 33 रन, 50 पे जाना है। भाई अंदर कोई पर पानी लेने जाता नहीं भाई, बारिश चालू गेम में, सॉरी हाँ हाँ 3 ओवर है, चाल है पानी भाई, आखा दिवस में आपने 9 रन मैच रमवानी। हाँ भाई अपने जतीन भाई तरफ थी दरेक छग्गा माटे 500 बैटिंग साइड माटे। अलग भाई भाई बाउंड्री पर भी 500 ओके भाई, खतरनाक ही नाम, छग्गा ना भी 500 चौग्गा ना भी 500 पर फक्त बैटिंग वाला माटे। हाँ 34 हमें बिलाड़ ने जुए छे 16 हमें पछी અને ચોથી ચાલે છે ભાઈ ચિંતન ભાઈ ની, હા પતી ગઈ, 4 પતી ગઈ, એટલે આગલા 12 બોલમાં હવે પછી જોઈએ 16। આ મેચ પહેલી વખત 9 થી નીચે 8 થઈ ગઈ ભાઈ, બેટિંગ ચાલી આગળ, વિકેટ આવી લાસ્ટ ઓવરમાં, વિકેટ આવી પણ રન પણ આવ્યા, અને રન આવે એટલે આ જતીનભાઈ જે ઇન્જેક્શન લગાવ્યું છે એમાં બધામાં 6માં બી 500 અને 4માં બી 500, અને ત્યાર પછીથી એકદમ શોર્ટ જ આવવા લાગ્યા 6 અને 4ના। થ્રુ આઉટ ટુર્નામેન્ટનું સિક્સર માટેનું ઇનામ છે ભાઈ હેરિનભાઈ આયશા, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ દાભલ તરફથી, પહેલા બોલથી છેલ્લા બોલ સુધીમાં 100 છગ્ગા માટે। બાઉન્ડ્રી માટે સિદ્ધાર્થ કલેક્શન તરફથી, વિનોદભાઈ અને જવાહરભાઈ તરફથી 50। ટેરિબલ કડક શોટ ભાઈ, રિવર્સ સ્વીપ,
देखिए विकेट का बाउंस, देखिए विकेट कैसे कैरी आ रही है बॉल, विकेट कीपर भी पीछे खड़े हैं। धवल अब दो गेंदें इसमें आ गई है, पांच ओवर नंबर पांच, रन आए हैं चार, मिनिमम जरूरत है बैटिंग को आठ प्रति ओवर, मैच को नीचे ले लिया है बैटिंग। भिलाड़ की टीम इस समय खेल को गिरफ्त में बांधने की तैयारी करती हुई, अब बोलिंग के पास इस समय देखिए विकेट से भी ज्यादा कोई चीज आगे करा सकती है तो इनके डॉट बॉल, जैसे अभी दो आए हैं, क्योंकि लगातार चार पांच डॉट डालेंगे तो ही प्रेशर में बैटिंग आ पाएगी। बैटिंग जो रन बना रहे हैं इनके स्कोरिंग शॉट है, इनके या तो चार हैं या छह हैं, पिछले 15 गेंदों में इनके जो रन आए उनमें 80% रन इनके स्कोरिंग शॉट से आए, इसलिए दबाव ही नहीं आ रहा है, इनके विकेट जा रहे हैं जरूर। इस एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन, जतिन भाई तरफ थी तो छग्गा माटे पण 500, चौग्गा माटे पण 500 छे, 40 40, पांचमी ओवर छे, अन पांचमी ओवर नो एक बॉल अन आगळ न छ, हवे पछी थी सातमा बिलाड़ी नी टीम ने जोईए, फेनिल भाई नी 10 रन। अत्यारे बॉलिंग माटे विकेट लेवा करता पण खाली बॉल जाय, मानो के आ पांचमी ओवर मां बॉलर माटे आ बॉल खाली काढवो जरूरी बॉलिंग माटे। फाइन लेग में आ रही है, प्रशांत भाई है तो रन हुआ है 41, पांच ओवर में 41। अरे भाई पानी, विशाल भाई ओके ओके, हाँ चलो भाई विशाल भाई आई जाओ, अपने हवे पछी जुए 6-9, तीजी मैच पूरी थवानी, चौथी मैच माटे अच्छारी ना निर्मित भाई यंग कैप्टन पहला बैटिंग लीधी छे, पण महावीर 11 अच्छारी, अन बीजी अपोजिट साइड पाछी यंग एकदम मैच्योर लाइनअप छे, जीआईडीसी सेंटर एंड टीम गुंजन एरियानी, एमना कैप्टन छे जॉय भाई जो फील्डिंग करशे पहली। भाई देवल भाई नू हार्दिक स्वागत, अमर साहेब आवी गया भाई, अकार मोटर्स खाली सलाम दुआ, तो अब 6-9 જોઈએ બિલાડને, और जतिन भाई तरफ थी छग्गा माटे भी 500, चौग्गा माटे भी 500, चालू जी ना कैप्टन से भाई बॉलिंग पर जो बॉल कैसे दौड़ रही है मैदान में, हरियाली हरियाली चादर के ऊपर भागती हुई बॉल येलो कलर की, कैसा दृश्य है ये बिलातिया क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल मैदान। पहली गेंद में चार आ गए, अब बॉलर कप्तान खुद है आखिरी प्रयास है अपनी तरफ से, इनका बगवाड़ा के कप्तान ही है बॉलिंग पर, पांच गेने हैं और अब पांच रन की दरकार है बिलार के लिए। नॉन स्ट्राइकर पे है आनंद कितावत, मेहर कितावत, जो मैंने कहा ना कि पिनल और ये लड़का, ये दो ऐसे ऑलराउंडर है जो एग्रेशन में रहते हैं, रन बनाते हैं या फिर आउट होते हैं, इनकी प्रकृति ही एग्रेसिव रहती है। जो शॉर्ट फॉर्मेट के लिए देखे ग्लोरियस शॉट, इनका मतलब कि खिलाड़ी जो है अच्छे लय में है, ये दिमाग से इनको शांत रखना है, ये एक खतरनाक प्लेयर है और बॉलर भी अनुभवी है, कप्तान बगवाड़ा की तरफ से अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट होता है अनसर्टन खेल होता है। देखिए 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 ये जो बॉलर है ना, अवे 3-5 जो है
છેલ્લી મેચ હતી વલવાડાની, ત્યાં ચિંતનભાઈ મેદવજી સિરીઝ બનેલા. રાતની લાસ્ટ યરની નગરપાલિકાની મેચમાં છેલ્લી ઓવરમાં એને આખી મેચ બનાવી કાઢેલી. આ માણસ ઓપન મેચ એમ. હા, ને અહીંયા પાછો આ માણસ આવી ગયો કમ્પલસરી ચેસ છે એમ સમાચાર લાવ્યો. 3-5 જુએ આય હાય આય છગ્ગો મારે તો 2000 કલાક. આ બાજુ મેચ આવી ગઈ ભાઈ, ગેમમાં ગેમ ઓન. ક્રિકેટ અનસર્ટન ખેલ હૈ, જબ તક ક્લોઝ નહીં હોતા હૈ આપ કિસી ભી અનુમાન કો. હા, કમ્પલસરી ચેસ હૈ બેટિંગ કો. બેટિંગ કો 4 રન ભી નહીં ચલેંગે, અગલી 2 ગેનો મેં 5 ચાહિયે. હાર્દિક પાંડ્યા જા રહે બેટિંગ પર. મિહિર ને બનાએ 21, પિનલ ને બનાએ થે 15. યે 2 એસે ઓલરાઉન્ડર હૈ, ઇનકે હી રન હૈ મિડલ ઓર્ડર મેં. ઇસીલીએ શોર્ટ ફોર્મેટ મેં એગ્રેસિવ ઓલરાઉન્ડરો કા રહેના બહોત જરૂરી હૈ. હાર્દિક પાંડ્યા ગયે મેદાન પર. એક કમલેશ ભાઈ કા આસન હૈ યસ કિતાબત, મેં ઇનકો હાર્દિક પાંડ્યા કહેતા હું. 2-5 મેચ ગો ઓન, ઓન મેચ ઓન હો ગયા હૈ. 50-50 વાઇડ ઓપન. 2000 છગ્ગા માટે આ બાજુ ભાવ ઉચકાઈ ગયો ભાઈ બિલાડ નો. જતીનભાઈ તરફથી 500 થી સીધો 2000. માર્કેટ ઉચકાયું, માર્કેટ ઉચકાઈ ગયું સીધું 500 પર 2000 બેટિંગ માટે, છગ્ગા માટે. હાર્દિક પાંડે બેટિંગ પર. કમલેશભાઈ નો ચિરંજીવ. આ કેપ્ટન બોલિંગ પર બગવાડા. અબ અલેંગ યાર. આ ભાઈ આનંદભાઈ કિતાવત, એમનો પણ પરિચય કરાવી દે. વલવાડાનું મેદાન એમનું ભાઈ. એ ભાઈ બીજો ભાઈ અહીંયા બહારથી પાણી લઈને ગયેલું. શું બે ભાઈ તેનથી પાછી ત્રીજી પેઢી એમ, જયંતિભાઈ ની 3 પેઢી તેમ. હા 1-4 ઓકે લેખભાઈ. હા કમ્પલસરી ચેસ, બેટિંગ ને બાઉન્ડ્રી મારવી જ પડે. 3 દોડીને લેવાય તેટલું મેદાન બી છે લાંબુ. હવે જોઈએ શું થાય. છેલ્લો બોલ કેપ્ટન બગવાડાના. 50-50 મેચ. આ મેચ ને બનાવનારા પણ બગવાડાના કેપ્ટન જ કમબેક કરી ગયા. અને ભાઈ કેપ્ટન કહેવાય એટલે તમારે કરવા જ પડે મેચમાં. ભાઈ આ જોઈ ક્રિકેટ અનસર્ટન ગેમ. હા અચ્છારીના કેપ્ટન ને ઓપનર કાઢો અને જય ભાઈ તમે ટીમ લઈને જાઓ જીઆઈડીસી સેન્ટર અમારી ગુંજનની ટીમ.